Hey, what's up guys, you're watching The Defense Forge और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से, यानी कि K9 वज्रा की तरफ से। तो आपको पता होगा इसका जो ऑर्डर है वो दिया गया था, और सबसे पहले आप जान लो लार्सन एंड टूब्रो का जो प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 2019 में, यानी कि 2 साल पहले इसे इनॉग्रेट किया गया था। और आज 100वां जो यूनिट है उसको यहाँ पर डिलीवर कर दिया गया है, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से ये जो डिलीवरी है काफ़ी तेज़ी से हुई है। यहाँ पर जनरल MM नारावने भी उपस्थित थे, यानी कि इंडियन आर्मी के चीफ भी उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति में 100वां यूनिट डिलीवर कर दिया गया है। जिससे एक चीज़ पता चलती है, लार्सन एंड टूब्रो की स्पीड सिर्फ और सिर्फ शिप्स में ही अच्छी नहीं है, उनकी स्पीड जो है वो टैंक्स हॉविजर्स बनाने में भी अच्छी है। और मेरा पर्सनली मानना यह है कि अर्जुन जो Mk1A का जो ऑर्डर दिया गया है वहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो को भी शामिल करना चाहिए था, जिससे कि जो डिलीवरी की स्पीड है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडियन आर्मी इसका और ऑर्डर दे सकती है, यानी कि फॉलो अप ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि ऐसी 200 और हॉविजर्स की रिक्वायरमेंट है अभी भी इंडियन फोर्स में। और उसके अलावा इसको एक्सपोर्ट लिस्ट में भी डाला गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इसे एक्सपोर्ट लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि बांग्लादेश हो गया, साथ ही साथ जो म्यांमार हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये जो जितने भी छोटी कंट्रीज़ हैं, और कतर ने ऑलरेडी इसके लिए प्रपोजल दिया हुआ था कि उन्हें इस तरह के जो सिस्टम से वो प्रक्योर करने हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो एक्सपोर्ट है वो किया जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट होता है तो इससे आप समझ सकते हो आने वाले समय में इसके जो लॉजिस्टिक्स हो गए, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हो गए, इन सभी चीज़ों को इंडिया ही देखने वाला है। इसके जो एमुनेशन हो गए, इन सभी चीज़ों को अगर इंडिया देखेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए ये इनकम का सोर्स बन जाएगा, यानी कि वेपन्स बेचने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कुछ चीज़ें पावर में दी हैं, यानी कि इंडियन फोर्सेस को यहाँ पे पावर में दी हैं कि 200 करोड़ तक के जो भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक्स हो गए और या फिर ओवरहॉलिंग हो गई या फिर कुछ खरीदना ही हो गया, इन सभी चीज़ों को जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी प्रक्योर कर सकती हैं, यानी कि जल्दी से प्रक्योर कर सकती हैं, जिसके लिए टेंडर और बाकी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी चाहें वो उसको डायरेक्ट परचेस कर सकती हैं। ये 200 करोड़ काफ़ी बड़ा रकम नहीं होता, यानी कि अगर डिफेंस को देख के चला जाए 200 करोड़ काफ़ी बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे कि छोटे एमुनिशंस खरीदने हैं या फिर किसी चीज़ की मेंटेनेंस करानी है, इन सभी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो इसके लिए काफ़ी बड़ा रकम है डिफेंस में भी, और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इसको बढ़ाया भी जाए। लेकिन आज के समय के लिए ये जो पावर है ये तीनों ही फोर्सेस को यहाँ पे मिली हुई है, यानी कि एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी हो गई, तीनों को ये पावर मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है सारस Mk2 की तरफ से। तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, यानी कि इस 90 सीटर एयरक्राफ्ट के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी कि ये एयरक्राफ्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी आए थे। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ये बन रहा है, इसके बारे में जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो प्री प्रोडक्शन यूनिट है, ये काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है, और बहुत ही जल्द, यानी कि 4 से 5 सालों के अंदर अंदर ये जो एयरक्राफ्ट है ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। यहाँ पर जो टेंडर है वो निकाला गया है बाईपास डक्ट केसिंग का, साथ ही साथ एयरो इंजन असेंबली का, और साथ ही साथ एक टेम्परेचर कॉम्पोजिट्स का, यानी कि हाई टेम्परेचर कॉम्पोजिट्स का जो टेंडर है वो यहाँ पे निकाला गया है NAL के द्वारा। और उसके अलावा यहाँ पे जो एवियोनिक सूट होने वाले हैं सारस Mk2 के लिए, यानी कि जो सेंसर्स हो गए और बाकी जो सिस्टम्स हो गए जो भी कॉकपिट के अंदर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आप कह सकते हो टेंडर है वो यहाँ पे निकाला जा चुका है। अब जो भी इसके लिए टेंडर के लिए यहाँ पे रिप्लाई करेगा, यानी कि जो भी कंपनी रिप्लाई करेगी उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा जो लोएस्ट बिडर होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो डिलीवरी है, यानी जो प्रोक्योरमेंट है, वो यहाँ पे कंपनी कर लेगी, और उसके बाद इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसे 2 एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, यानी कि 2 90 सीटर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, यानी कि जो ऑलरेडी डिप्लॉयड थे लद्दाख के रीजन में इस स्टैंड ऑफ के दौरान, उन्होंने कहा है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ इसलिए टेबल पे आ रहा था क्योंकि हमारे जो टैंक्स हैं वो यहाँ पर रेजिंगला और रेजांगला पर डिप्लॉयड थे, यानी कि हाइट्स पर डिप्लॉयड थे, और यहाँ से हम उन्हें ईजी टारगेट कर सकते थे। तो चाइना को इस चीज़ से जो डर है वो यहाँ पे लगने लगा। और इसके अलावा आपको ये पता होगा कि हाइट्स कितनी मैटर करती हैं, और साथ ही साथ जब गलवान वैली की घटना हुई थी तो आपको पता होगा कि जितने भी सोल्जर्स हैं इंडियन साइड से वो जो शहीद हुए थे, उसके अलावा चाइना ने अपने नंबर्स नहीं बताए थे, पर यूनाइटेड स्टेट्स और साथ ही साथ रशिया और इंडिया ने भी जो नंबर है वो 40 to 45 के अराउंड बताए हुए थे। तो यहाँ पे जो हु जिंगजिंग है, यानी कि ग्लोबल टाइम्स के जो राइटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन साइड के जो तरफ से जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें झूठ है, और हमारे जो सोल्जर्स की जो डेथ रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में ही था, यानी कि 9 तक ही था, 1 से 9 के बीच में। ये सारी चीज़ें झूठ हैं और इंडिया यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हु जिंगजिंग को भी कुछ अच्छे शब्द इनके कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आएं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो ये जो चीज़ें हैं ये MMRCA 2.0 से भी रिलेटेड हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स में F-16 काफ़ी बड़ी संख्या में हैं,
तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को F-16 2024 और 2025 तक सारे F-16s को रिटायर कर देना है, और जो नए F-16s हैं उनके पास ऑलरेडी जो कि अभी चल सकते हैं उनको यहाँ पे अनमैन्ड बना देना है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई कि हमें आने वाले समय में कौन से एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना चाहिए। तो उन्होंने नए एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने के बारे में बात कही है, यानी कि पूरी तरीके से एक नया एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि सिंगल इंजन जेट होने वाला है, जो 4.5 या फिर 5 माइनस जो एयरक्राफ्ट है उस तरीके का एयरक्राफ्ट होने वाला है। यहाँ पे वो F-21 को प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी देश अगर फाइटर जेट को खुद के लिए यूज़ नहीं करता, जैसे कि अगर हम तेजस को यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी देश प्रोक्योर नहीं करेगा। तो सेम एज यूनाइटेड स्टेट्स F-21 को अब नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस एयरफ्रेम पे इन्हें भरोसा नहीं है, और आने वाले समय में अगर इंडिया इसे प्रोक्योर करता भी है तो बेकार डील मानी जाएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।